पे इंट्रोड्यूस करने की पहले ओके हाय आई एम श्रेयसी शॉ आई एम मॉडल एंड एन एक्ट्रेस सो हमारा यहाँ जी म्यूजिक के लिए शूट चल रहा है दिस सॉन्ग इज ऑन पैट्रियोटिक बेस सो मिलिट्रेंट एंड द लव ऑफ मिलिटेंट लाइफ सो या आई एम माई सेल्फ लवकांश गर्ग एंड आई एम अ बॉलीवुड एक्टर एंड मॉडल और इस वक्त हम एक जी का एक एल्बम कर रहे हैं जो एक ट्रिब्यूट है एक आर्मी को एंड इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूट बिकॉज आर्मी इज़ अ बिग वर्ड एंड देयर हार्ड वर्क बट इट्स फ्रॉम हवर हार्ट जय जवान जय किसान कैसे मिला आपको ये एल्बम इसके पहले कुछ किए बताइए हाँ तो मेरी मूवी आने वाली है नारकासुर दैट वाज इट्स बेस्ड ऑन वुमेन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ सर ने मुझे कॉल लगाया कि कम एंड मीट मी एंड समथिंग एंड आई वेंट टू राज घोष द डायरेक्टर ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम एंड देन ही ऑफर्ड मी दिस wonderful music album because it's tributed to our nation the heart of our nation that is the army the unsung heroes so and it's going to release on 15th august so yeah I'm honored to shoot here today in this monsoon rain and everything thank you ट्वेल्थ अगस्त रिलीज है बट दिस इज बेस्ड कि 15th अगस्त को ये वायरल हो जाए हम चाहते हैं कि लोग हमें बहुत सारा प्यार दें कैसे मिला आपको कैसे मिला गाना ये मैंने सर के साथ एक पहले प्रोजेक्ट किया था बिफोर यू डाई जो उनकी पिछली मूवी थी तो उनका मेरा एक्ट अच्छा लगा था तो अभी इसके लिए एक ब्रदर का कैरेक्टर था मैं इनके भाई का कैरेक्टर और जो मेजर है उनका दोस्त बहुत अच्छा वो मेरा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी तब सर ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे एक एल्बम है जी का तो तुम फ्री हो तो आ जाओ मतलब ब्रदर आप आर्मी में किस तरह से होंगे आप भले भाई हो तो आर्मी में आप भी हो हाँ जी आर्मी में भी तो क्या जब देश की वर्दी पहनते हो तो प्राउड होता है क्या क्या कहेंगे इस बारे में प्राउड तो होता ही डेफिनेटली की वर्दी है भाई प्राउड सर मेरे पास शब्द नहीं होते उस वक्त और एक्चुअली मेरी मैं उस लेवल पे भी नहीं हूँ कि मैं वो पहन सकूँ बट मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है क्योंकि मैं उनके वो उनका कोई मुकाबला नहीं है पूरी इंडिया में आर्मी की वजह आर्मी है तो हम यहाँ पे हैं आर्मी है तो हम यहाँ शूट कर रहे हैं आर्मी है तो हम यहाँ खा पा रहे हैं तो वो एक फीलिंग ऐसी है कि मैं आपको वर्ड्स में सेटिस्फाइड कर नहीं सकता डायरेक्टर जी की बात करूँ तो कैसा किस तरह कैसे है क्या कहेंगे उनके बारे में डायरेक्टर सर जो है हमारे वो बहुत ही पैशनेट है एंड वो जब कोई सीन एक्सप्लेन करते हैं उनके नज़र से सब कुछ दिख जाता है कि ये होने वाला है मतलब आफ्टर एडिटिंग सीन्स भी हमें दिख जाता है तो दैट्स रियली वंडरफुल थिंग कि एक आर्टिस्ट को काम करने में बहुत आसानी हो जाती है कि क्या है फ्रेम्स एंड एवरीथिंग डायरेक्टर साथ मैंने पहले भी काम किया ही है जैसे मैंने बताया और उनके साथ मतलब काम करने में हाँ एक डर लगता है कि गुस्सा करेंगे ठीक है हर एक डायरेक्टर करते हैं बट वो बिल्कुल क्लियर करते हैं वो पहले आपको पूरा समझाएंगे कि कैसे क्या होगा क्या शॉट है कैसे आपको क्या करना है मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी लेंगे कोई इशू नहीं है तो उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है तो जब भी देश की बात आती जो गाना किया जाती है तो पहला गाना कौन सा माइंड में आता है पहला गाना कौन सा माइंड में आता है जब भी देश की बात आती है अच्छा तो देशभक्ति के ऊपर बहुत सारे गाने और पैट्रियोटिक सॉन्ग सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो मेरा तो फेवरेट है कि माँ तुझे सलाम मेरे दो गाने दिमाग में आते हैं स्टार्टिंग में ही एक मेरे देश की धरती सी सोना उगले उगले हीरे मोती और चिट्ठी आई है देश के थ्रू क्या कुछ संदेश देंगे लोगों क्या कुछ कहेंगे लास्ट में मैसेज देंगे कुछ कुछ कहेंगे हम सभी रेस्पॉन्सिबल नागरिक है देश के और कहीं ना कहीं हम सभी देश के लिए करते हैं मतलब आप अगर अपने जॉब सही से कर रहे हो आप कोई भी प्रोफेशन में हो आप अगर कर रहे हो तो आप देश की उन्नति के लिए कर रहे हो देश को आगे लेके जा रहे हो चाहे वो स्टूडेंट हो लॉयर हो डॉक्टर हो मतलब देश सिर्फ आर्मी वाले तो है ही पर बाकी सारे प्रोफेशन की वजह से आज हमारे देश देश है
मैं देशवासियों को ये कहूँगा, जैसा कि आजकल चल रहा है कि लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद फ़ौरन जाते हैं और वहाँ पे सीईओ या कुछ भी बनते हैं, तो हमारे इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, बट इंडिया में रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इंडिया भी और ज़्यादा ग्रोथ करे। और आर्मी, तो आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, इनके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब ये स्पीचलेस है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय जवान, तो कैसे ये आपको मिली, कैसे एक्चुअली शुभेंद्र राज घोष सर हैड कम टू सिक्किम एंड देन ही मेट मी एंड वी डिस्कस्ड अबाउट डूइंग अ प्रोजेक्ट टुगेदर एंड देन इवेंचुअली लाइक दैट इट हैपेंड एंड वी डिड दिस। जब आपने सुना कि एक आर्मी का किरदार है, तब क्या माइंड में आया? फर्स्ट क्या जो आता है वो तो पेट्रियोटिज्म का ही आता है। और the good thing about this music video is this is releasing near independence day, so wo ek plus point ho gaya aur pura nation ka patriotism jaga hua hota hai. Set pe kaisa mahol hai? Set pe bahut acha ho raha hai, it's very comfortable with the co-actors and this ye mere liye naya hai kyunki itna professionalism abhi tak maine nahi kiya tha, Sikkim mein itna nahi hota hai, so first time hai to maza aa raha hai. It's a first album? No, first in Mumbai doing it so professionally, but pehle maine do teen wala kiya hai. It's a Hindi boy, Hindi or two of them are from Sikkim itself, Nepali music videos. The third one is called Maya and released in Zee Music. ये कैसे मिला आपको, कैसे क्या कुछ ऑडिशन वगैरह? ऑडिशन तो नहीं हुआ था, बट वी मेट इन अ कॉन्क्लेव, एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव, एंड ही सॉ मी ऑन इन वन ऑफ द पैनलिस्ट एंड उन्होंने मुझे देखा और उनका बातचीत हुआ, उनको पता चला कि मैं भी म्यूजिक वो सब एक्टिंग में इंटरेस्ट है, सो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रोल सूट करेगा तो ट्राई करते हैं, बोल के उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है। How was the actor? It's I find him very passionate about his work. He puts his entire heart and soul into the music video, so it's fun working with him. What's the story behind the story? It's actually about how an army, what kind of sacrifices an army person makes to keep the nation safe, and all the things that his loved ones face after he's gone to the army. Safar, ye gana actually हमारा जो इंडियन आर्मी है उनको हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट, आज का जो हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी के लिए कुछ करने का जो एक प्रेरणा, वो मेरा दोस्त आपका मेरा मेंटर राज सिंह सिद्धू का एडिटर मुझे बताया, और इसके चलते मैं सुषमा गुरु उनसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उनसे मैंने बात किया, और उस वक्त मैं सिक्किम में ही था और सिक्किम में दो तीन एक हादसा भी हो गया, ये लैंडस्लाइड के कारण बहुत सारे जवान फौज और शरीर शहीद हो गए, तो उस दौरान मुझे ये लड़का उत्सव मिला और मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा जी चलो इसको लेके एक गाना गाए। उस गाने को जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो बॉब एसन सर है, वो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, मेरा बहुत पिक्चर का म्यूज़िक डायरेक्शन किए हुए, और गाना को गाए ये दो लैंग्वेज का है, एक नेपाली और एक हिंदी, नेपाली में गाया है शिशिर ठटाल ने और हिंदी में गाया शायद मल्लार ने। वीडियो बन रहा है, दूसरे कौन सा भी ये शूट, क्या शूट हो रहा है आज? वो एक आर्मी ऑफिसर है, शादी में उसको छुट्टी मिला था, वो घर आ रहे थे, उसका दुल्हन जिसके शादी हो रहा था उसका हल्दी का रस्में चल रहा था, दुल्हन का बेस में था, सडनली रास्ते में आतंकवाद हमला होता है और ये फौजी ऑफिसर ये देहांत हो जाता है, देश के लिए जान दे रहे थे, और उसका डेड बॉडी आता है उस समय जब ये दुल्हन के बेस में थे। जस्ट यही ऐसे बहुत सारे किस्सा, शायद अनजानी किस्सा है जो हम लोग जानते भी नहीं हैं, उन सब के लिए जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, कोई परवाह करते नहीं हुए, हमें ठीक रखने के लिए खुद का जान को परवाह करते हैं, और उस लड़की लोग के लिए जिसका शहर माने हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है या जिसका हस्बैंड होने वाला था वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा सलूट। कहने की ये पुलवामा हमला की कहानी को दर्शा रहे हैं? नॉट पुलवामा हमला, एवरीथिंग, ये 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 हर 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 इंसिडेंट इनके लिए हमें शायद ये पता है, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहाँ हम लोग को पता नहीं है,
हर समय तो बॉर्डर में तो गोलाबारी चलते ही रहते हैं, कुछ न्यूज़ आते हैं कुछ न्यूज़ ना आते, ये रेगुलर जैसे सांस लेने का बात है वैसे ही बात है। कितना फौज कितना ऑफिसर्स देहांत हो जाते मर जाते वी डोंट नो। सो ये सब के लिए ये हमारा इंडियन आर्मी के लिए ना स्पेसिफिक कोई आर्मी या बटालियन के लिए नो, ये इंडियन आर्मी के लिए। सही, जब मैं कहा देख असुर पे देख रहा हूँ मैं कि बॉर्डर देख उसमें गांध है जाती हुई लम्हे कुछ वैसा ही लग रहा है गाना साउंड भी और ये आपका सूट भी कुछ नहीं वैसे, वैसे नहीं है एक्चुअली, ये एक फ्लैशबैक है, एक लड़की का पर्सपेक्टिव फ्लैशबैक है जिसके वो शादी करने वाली थी वा होने वाला था वो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसको वो याद करते हैं और उसी वक्त उसी टाइम याद करते हैं वही वही पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम में याद करते हैं जिस कॉस्ट्यूम से उसको छोड़ के गई थी। कास्टिंग कैसे हुई दोनों की, एक तो कहा आपने उत्सव का, उत्सव को तो लवकंस गर्ग लवकंस हरियाणवी एक लड़का है, अच्छा टैलेंटेड लड़का है, बहुत सारे काम किए, मेरा लास्ट फिल्म में भी वो एक गेस्ट अपीयरेंस का किरदार किया, तो मैंने लवकांश को देखा है वो भी बहुत अच्छे एक्टर है। और श्रेयसी जो इस गाने का हीरोइन है 5 साल पहले इनफैक्ट मेरे हाथ से ही इसका शुरुआत हुआ था, इस म्यूज़िक वीडियो में हिंदी म्यूज़िक वीडियो में शुरुआत हुआ था, कलकत्ता में हम लोग शूट किए थे, 5 साल बाद मैंने जब खबर मिला जो वो एक बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत सारे एड्स वेब सीरीज और रिसेंटली 5 अगस्त उसका एक पिक्चर भी रिलीज होने वाला है और बहुत बड़े बैनर के साथ, तो आई ऑफर हर एंड वो बहुत सालों के बाद मेरे ऑफर मिलते ही शी डू दिस वर्क। और एक एक्टर इसमें भाई बना है वो तो लवकंश गर्ग का मैं किरदार बना, वो भी बहुत अच्छा। रिलीज हो जाए कब तक, क्या प्लान? 12 अगस्त ये बॉम्बे में रिलीज होंगे ऑल ओवर इंडिया में, नेपाली वर्षन हिंदी वर्षन एंड नेपाली वर्षन ये रिलीज होगा 15 अगस्त सिक्किम में। 15 अगस्त देख सकते हैं। तो गाना से भी अकेले की पूरा एल्बम है ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, एक 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 सिंगल सॉन्ग, एक सिंगल सॉन्ग, सॉन्ग का नेम सफर है, एल्बम का नेम भी सफर है।